बाढ़ की विभीषिका हर जगह एक जैसी ही है, परेशानियां और पानी हर जगह एक जैसा है, बस जगह बदलती जाती है। बारिश में नदियों का व्यवहार एक जैसा होने लगता है, चाहे वो बिहार हो या पश्चिम बंगाल। जब नदियां तटबंधों को तोड़ देती हैं तो फिर बेकाबू हो जाती है। कुछ ऐसा ही तराई इलाकों में दिख रहा है और तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो बाढ़ है वो लोगों को बेहाल कर रही है। बिहार के किशनगंज से होकर महानंदा और डोंक नदी गुजरती है, जिस पर नेपाल की बारिश का असर दिख रहा है। निचले इलाके में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। पानी की तेज रफ्तार अपने साथ सब कुछ बाहर ले जाने को बेताब है, चाहे पेड़ हों, बिजली के खंभे हों या कोई मकान। जो भी रास्ते में आ रहा है पानी की भेंट चढ़ जा रहा है। जिला प्रशासन ने कोचा धामन, ठाकुरगंज और किशनगंज में रहने वाले ग्रामीणों को ऊंची जगहों पर जाने को कहा है। प्रशासन 93 ऊंचे स्थलों का चयन कर चुका है। जिला प्रशासन का दावा है कि तटबंध क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में उसे रिपेयर करने की समुचित व्यवस्था उपलब्ध है। नेपाल के जो तराई रीजन हैं और सब हिमालयन रीजन में है, वहाँ पे इसमें हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल तक की संभावना व्यक्त की गई है। उसके आलोक में हम लोगों ने किशनगंज में जितने भी लो लाइंग एरियाज हैं, हमारे 3 प्रमुख जो प्रखंड हैं जहाँ से महानंदा और डॉक नदी गुजरती है, वहाँ पे हमने माइकिंग वगैरह करवा दिया है। बिहार के कटिहार में भी जिला प्रशासन ने भारी बारिश को लेकर अलर्ट किया है। 20 जुलाई तक भारी बारिश होते रहने की संभावना बताई गई है। 11 और 12 जुलाई को विशेष सतर्कता बरतने की चेतावनी दी जा रही है। महानंदा नदी में पानी तेजी से बढ़ रहा है। लोगों को उनके घरों से सुरक्षित निकालकर तटबंधों पर पहुंचाया जा रहा है। लोग अपना सामान लेकर सुरक्षित स्थान पर जाने की तैयारी में है। वर्षापात का आंकड़ा अभी मिल रहा है और जो फोरकास्ट मिल रहा है, ये आप सब के साथ साझा करना बहुत जरूरी है। कटिहार जिला के सभी जितने भी बंधु हैं, आप सब के साथ साझा करना जरूरी है। जो फोरकास्ट है उसके अनुसार 10 जुलाई से 20 जुलाई तक भारी वर्षापात की संभावना है। पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले में तीस्ता नदी के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। जलस्तर बढ़ने पर कूचबिहार के मेखलीगंज, कुचलीबाड़ी के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। सरकारी मदद ना मिलने से इलाके के लोगों में गुस्सा है। पिछले कुछ दिन से हो रही लगातार बारिश ने तीस्ता का जलस्तर बढ़ा दिया है। लगातार घरों में पानी घुस चुका है, सामान भीग रहे हैं, लोगों को रहने खाने की समस्या हो रही है, जानवरों के खाने का भी इंतजाम नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार यानी आज भी भारी बारिश के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हम बात कर रहे हैं पानी की मनमानी की। पानी के बिना इंसान की जिंदगी बेमानी है। प्रख्यात संत रहीम दास भी यही कह गए थे, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। लेकिन जब यही पानी जरूरत से ज्यादा हमारी जिंदगी में समाने लगता है, तब जिंदगी ही तबाह होने लगती है। पानी नदियों के किनारों को छोड़ देता है और अपने आगोश में समेटने लगता है खेत खलिहान, कच्चे पक्के मकान, क्योंकि पानी को बहने का रास्ता चाहिए और बाढ़ में उसका रास्ता रोकना भी मुश्किल है। कुछ ऐसा ही दिख रहा है देश में पानी का आपातकाल। जिंदगियों को बचाने के लिए मशक्कत की जा रही है अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट जिले में, जहां सिबो कोरोंग नदी में 2 लोग पानी में फंस गए। ये लोग नदी में गए थे जहां अचानक ही पानी बढ़ गया और ये लोग पानी में डूबने लगे। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से पुल के ऊपर से नदी में रस्सी डाली, जिसकी मदद से इन दोनों को बाहर निकाला गया। गोपाल मिजार और मोनू विश्वकर्मा उस वक्त नदी में फंस गए थे जब पानी का जल स्तर अचानक ही बढ़ने लगा था। असम के डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। जरा इसकी कटान को देखिए, किस तरह नदी का पानी जमीन को काटता जा रहा है और बड़े बड़े पेड़ धराशायी होकर इसमें तिनकी की तरह समाते जा रहे हैं। मोहना घाट पर बने रिंग बांध को तोड़कर नदी का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया, जिसे रोकने के लिए रात में ही प्रशासन मुस्तैद हो गया। पानी को रोकने के लिए बालू की बोरियों का इस्तेमाल किया गया। पानी जमीन के नीचे से निकलकर फैल रहा है, जिससे बाढ़ का खतरा बना हुआ है। नेपाल में लगातार हो रही बारिश से कोसी नदी नाराज है और कोसी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। इसके वेग के आगे हर किसी को झुकना पड़ता है, क्योंकि इस मौसम में इसकी रफ्तार को काबू करना किसी के बस का नहीं।
इसके रास्ते में जो भी आएगा कोसी में ही समा जाएगा। पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश ने कोसी के जलस्तर में वृद्धि कर दी है। शुक्रवार शाम नेपाल में बराह इलाके के डैम से 256,685 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके कारण नदी की रफ्तार बढ़ गई है। कोसी बैराज पर बढ़ते जलस्तर को देखते हुए बैराज के 56 गेटों में से 37 को खोल दिया गया। बैराज से थोड़ा नीचे ही पानी बह रहा है। नेपाल में बारिश का असर गंडक नदी में भी दिख रहा है। करीब 250 मिलीमीटर बारिश के बाद बेतिया जिले में 12 जुलाई तक मौसम विभाग का अलर्ट है। बैराज से छोड़े गए पानी ने जलस्तर को बढ़ा दिया है। निचले इलाकों में बाढ़ की संभावना तेज हो गई है। गंडक का पानी तटों को तोड़कर आबादी में घुसने पर आमादा दिख रहा है। बेतिया में बाढ़ से बचाव को लेकर जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है। डीएम खुद तटबंधों की निगरानी में जुटे हैं। निगरानी के लिए 190 होमगार्ड के जवान लगाए गए हैं और इंजीनियर्स लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। निचले इलाकों में एनडीआरएफ की 2 कंपनियां बेतिया और बगहा में तैनात की गई हैं। देखिए, जैसे कि सूचना प्राप्त हो रही है कि नेपाल के साइड में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, अराउंड 250 mm से ज़्यादा की उधर बारिश हो रही है और लगातार हम लोग उस पर नज़र बनाए हुए हैं और कंप्लीट जिला में हाई अलर्ट किया हुआ है। बिहार के अररिया समेत नेपाल के पूरे तराई क्षेत्र में रविवार तक भारी बारिश की संभावना है, जिसके चलते परमान और बकरा नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। एनडीआरएफ की टीम बाढ़ प्रभावित इलाकों में दौरा कर रही है और बाढ़ में फंसे लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर ले जा रही है। अधिकारियों ने आश्रय स्थलों का चयन कर लिया है जहां बाढ़ से प्रभावित लोगों को रखा जाएगा। नेपाल प्रशासन के द्वारा भी रेगुलर अंतराल पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं। अभी तक देखिए कोई अलर्ट रहने, अभी तक कोई डेंजर सिचुएशन नहीं है, ठीक है। बट मैं यही रुना अब सब लोगों के माध्यम से अररिया के जनमानस को यही अपील करूंगा कि कृपया अलर्ट रहें, वॉचफुल रहें। अभी तो ये बारिश का आगाज है, अभी आने वाले दिनों में बारिश और तेज होगी और नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी होगी। लॉकडाउन के चलते बांधों की मरम्मत का काम समय से नहीं हो पाया होगा, लिहाजा प्रशासन को ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत होगी ताकि नुकसान को कम से कम किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पानी की मनमानी ने कई लोगों के लिए परेशानियां खड़ी कर दी हैं।